और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? कैफे स्टाइल में आज हम लोग लज़ानिया बनाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी होती है और इसकी लेयर्स आप देख सकते हो, एकदम अच्छी सेपरेशन आई है। इसकी जो दो वैरायटी के सॉस होती है, रेड और वाइट, वो भी बनाएंगे। और जो वेजिटेबल्स की लेयर है वो एकदम फायरी टेस्ट वाली रहेगी। तो कैफ़े स्टाइल में चलो बनाते हैं आज घर में लज़ानिया। अगर आपको पास्ता और पिज्ज़ा पसंद है तो ये नया फेवरेट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बनाते हैं। रेड सॉस के लिए मैंने 3 टमाटर कट किए हैं। फिर कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल गरम होने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे 5 कटी हुई गार्लिक क्लव्स, 1/2 इंच जिंजर, 1/2 टीस्पून बेजिल, 1/4 टीस्पून ऑरेगनो। ये हर्ब्स को फ्राई करने से फ्लेवर खुल के आता है, इनको 15-20 सेकेंड फ्राई करना है। फिर इसमें टमेटो ऐड कर देंगे, इसी के साथ में नमक 1 टीस्पून। अब टमाटर को नरम और मशी होने तक कुक करना है, तो उसमें 10-12 मिनट लगेगी। तो मैं ढक्कन लगाकर इसको कुक करूँगा और दूसरी गैस पे रख रहा हूँ। तब तक जो वेजिटेबल वाले लेयर होते हैं ना, उसको बनाते हैं। मैंने सारी सब्ज़ियाँ की फ़ाइन कटिंग करी है, बड़ी बड़ी रहेगी तो लेयर में प्रॉब्लम आएगी। कढ़ाई या वॉक गरम करनी है हाई फ्लेम पर, इसमें हम लोग डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। तेल गरम होने के बाद 6 क्लव्स ऑफ गार्लिक फाइनली चॉप्ड, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक, इन तीनों को स्टर करना है एक बार। जो वेजिटेबल की लेयर है, मैंने बोला था ना फायरी टेस्ट रहेगा, उसके लिए 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून पेपरिका चिली पाउडर डालना है। और इन दोनों को 10 सेकेंड तक फ्राई करना है। ऐसे ऑयल में फ्राई करने से वो एकदम स्पाइसी वाला टेस्ट मिलेगा। जलने नहीं देना है, तो फटाफट मैंने यहाँ पर आलू डाल दिया काट कर। सारी जो सब्ज़ियाँ है ना, सब रॉ या कच्ची सब्ज़ियाँ है। इसी के साथ में मैंने प्याज, गाजर, फूलगोभी, बीन्स और कॉर्न भी डाला है। इन सभी सब्ज़ियों को अब हम लोग कुक करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट तक ही कुक करना है, क्योंकि ओवन में भी बहुत बेकिंग होती है। फिर नमक डाल दिया, इसी के साथ में मैंने काली मिर्च भी डाला है, ऑरेगनो भी। अब इन सभी को 5 मिनट तक कुक करना है, जैसे मैंने बोला, पूरा नहीं गलाना है सब्ज़ियों को। बहुत सारी सब्ज़ी है ना, तो चलाते रहेंगे, टॉस करते रहेंगे। 3-4 मिनट के बाद इसमें मैंने पनीर डाली है, साथ में पालक। पालक और पनीर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब जब तक स्पिनच विल्ट ना हो, तब तक इसको कुक करना है, तो हार्डली 3 और मिनट। एकदम एक्साइटिंग, फायरी, स्पाइसी, क्रिस्पी टाइप की ये स्टफिंग रहेगी सब्जियों की। रेडी है बिल्कुल। अब गैस बंद कर दी मैंने। टमाटर को चेक करते हैं, टमाटर भी सॉफ्ट और मशी हो ही गया है। इसको हाई फ्लेम पर लेकर आता हूँ। अब फिनिश करने के लिए यहाँ पर मैंने वही पेपरिका चिली पाउडर लिया है, इसी के साथ में चिली फ्लेक्स, 1/4 कप टमेटो प्यूरी और 1/2 टीस्पून चीनी। अगर टमेटो प्यूरी ना हो तो टमेटो केचप भी ले सकते हैं, जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो 2 टेबल स्पून यूज़ करना है। इन सभी को मिक्स कर 2 मिनट कुक करेंगे और ये भी रेडी हो जाएगा। फिर गैस बंद कर इसको ठंडा करना है 10 मिनट। तब तक वाइट सॉस बनाते हैं। वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पर पैन गरम किया है, इसमें 1 टेबल स्पून के आसपास बटर डालेंगे। बटर जैसे ही थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगता है, फिर इसमें 1 टेबल स्पून मैदा। इन दोनों को मिक्स करके कुक करना है जब तक ये फोमी ना हो जाए। इसमें बहुत सारे बबल जाने लगेंगे, तो कंटिन्यू स्टर करना है, मीडियम फ्लेम पर इन दोनों को कुक करना है। सही लग रहा है अब, फोमी और बबली। ज़्यादा कुक और नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है, मतलब 500 ml। इन दोनों को अब मिक्स करेंगे। एक बार में सारा दूध मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर डालिए और लगातार मिक्स करें, वरना लम्ब्स बनने के चांसेस रहते हैं। चलो सब मिक्स हो गया। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने लौंग या क्लव्स लिए हैं, 3 से 4 इसको डालेंगे और इसको बस उबालना है एक साथ। थिकनेस और क्रीमीनेस लाने के लिए चीज़ क्यूब मैंने लिए 2 पीस। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहे हो तो 50 ग्राम्स यूज़ करनी है। पैकेट ओपन कर रहा हूँ, अब इसको कट करेंगे छोटे छोटे पीसेज में। चलो चीज़ भी डन हो गई। मिल्क को मिक्स करते हुए चीज़ डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और अपनी सॉस रेडी हो जाएगी जब इसमें उबाल आ जाता है। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर और नमक भी डाला है। बस सब कुछ हो गया, बस बॉईल लेकर आना है अब इसमें। ये अपनी वाइट सॉस में बॉईल भी आ गया। अब बस गैस बंद कर देंगे, अपनी वाइट सॉस भी डन है।
रेड सॉस के लिए टमेटो भी ठंडा हो गया है तो मैं मिक्सर जार में डाल रहा हूँ। इसी के साथ में 1 कप पानी इसमें डालना है, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, और इन दोनों को ब्लेंड करना है फाइन होने तक। अपनी रेड सॉस भी रेडी है, वाइट सॉस भी थोड़ी ठंडी होकर थिक हो गई है पूरी। अब लज़ानिया असेंबल करने की तैयारी करते हैं। कैफ़ेज़ में या होटल्स में लज़ानिया ऐसी शीट्स के साथ बनाया जाता है। ये ओवन रेडी शीट्स है, मतलब इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी बेकिंग ट्रे में शुरू में रेड सॉस की लेयर बनाएंगे, ज़्यादा सॉस भी यूज़ नहीं करनी है, बस एक ईवन लेयर बनानी है। चलो ये भी हो गया, अब इसके ऊपर लज़ानिया शीट्स की लेयर बनानी है। ये फोर्थ वाली को मैं थोड़ा तोड़ रहा हूँ, ऊपर वाली लेयर्स में नहीं तोड़ना पड़ेगा। अब वापस से रेड सॉस, मैंने 2 लेडल रेड सॉस यूज़ करी है और 2-3 लेडल के आसपास इसमें वाइट सॉस डालेंगे। दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ये जो ओवन रेडी शीट्स होती है ना, एक पैकेट में 24 शीट्स आती है, और ये सॉसेस के साथ ही पकती है, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा सॉसेस डाल रहे हैं, और इसी रीज़न के वजह से सॉस भी पतली है। चलो बातें कम काम ज़्यादा, इसके ऊपर सब्जियों की लेयर बनानी है। सारी नहीं डालेंगे, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, आधी सब्जी की लेयर इसमें इवनली बनानी है। वेजिटेबल लेयर के ऊपर आप वाइट सॉस वापस डाल सकते हो, मैंने ये लेयर में नहीं डाला है। चीज़ डालेंगे खुलकर, यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडा चीज़ यूज़ करी है। अब वापस से इसमें लज़ानिया की शीट्स, रेड सॉस, सब्जी की लेयर, वाइट सॉस की भी इवन लेयर बनाई है, चीज़, वापस से लज़ानिया शीट्स, रेड सॉस और वाइट सॉस। ऊपर की लेयर है ना ये, मतलब टॉप लेयर है, तो मैं थोड़ा स्वर्ल कर रहा हूँ दोनों को ताकि देखने में अच्छा लगे। थोड़ी बहुत सब्ज़ी थी तो वो भी मैंने डाल दी। अब खुल के ऊपर चीज़ डालेंगे वापस। अपना लज़ानिया रेडी है बेकिंग के लिए। अवन में मैं इसको रख रहा हूँ, बेक करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 28 to 30 minutes के लिए। मैंने पहले से प्रीहीट कर रखा था, ऊपर और नीचे दोनों साइड्स के रॉड्स ऑन है। पंद्रह मिनट के बाद आप इसको टर्न कर सकते हो ताकि इवनली बेक हो। वैसे दोस्तों मैंने ये शीट्स घर में भी बनाई है और बिना ओवन के भी ट्राई करी है पहले, अगर आपको वो मेथड देखना है तो पोल ऊपर आ गया होगा, उसमें वोट ज़रूर करें कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। 30 मिनट्स पूरे हो गए, अपना लज़ानिया मस्त दिख रहा है बिल्कुल। अगर आप पिज़्ज़ा और पास्ता पसंद करते हो तो पूछो मत यार, दोनों से मन भर जाएगा और यही खाने का दिल करेगा। इसको बस 5 मिनट ठंडा करना है, अभी काफ़ी गर्म है, तो मैं कवर कर रहा हूँ इसको एक शीट से ताकि इसकी जो चीज़ की लेयर है ना वो ब्रेक ना करें। उसके बाद इसको कट करके सर्व करेंगे। मस्त दिख रहा है ना, कटिंग करते हैं। पूरा मक्खन जैसे कट हो रहा है, अपना लज़ानिया रेडी है, सर्व करते हैं इसको। एकदम सही बेकिंग हुई है, चीज़ी भी है, सॉफ्ट भी है, लेयर्स भी देखो आप सेपरेट है ना। तो आप कब बना रहे हो? तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। अगर आपको इसको बिना ओवन और बिना बाज़ार की शीट्स के साथ बनाना है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। मेथड ऑलरेडी सॉर्टेड है, बनाकर डेवलप कर चुका है, बस आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करने की देरी है। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।